गुजरात विधानसभा ने मंगलवार को गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2015 पारित कर दिया। इस विवादित विधेयक को मंगलवार को ही सरकार ने विधानसभा में पेश किया था। इस विधेयक को पहले दो राष्ट्रपतियों ने राज्य सरकार के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था। ये विधेयक 2003 के गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण के मूल विधेयक का संशोधित स्वरूप है। विधेयक का उद्देश्य सबूत के लिए फोन कॉल रिकॉर्ड करना और उनको बीच में सुनने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों को अधिकार देना है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की होगी। विधेयक पारित कराने के विरोध में विपक्षी कांग्रेस सदस्यों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। महाराष्ट्र में नागपुर सेंट्रल जेल से मंगलवार तड़के 5 कैदी भाग गए। सुबह कैदियों की हाजिरी लिए जाने के समय उन्हें संबंधित जेल बैरक से गायब पाया गया। पुलिस सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार भागे 3 कैदियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के अंतर्गत आरोप हैं, जबकि एक पर शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप हैं। एक और कैदी लूट और अन्य अपराधों का आरोपी है। भागे कैदियों की तलाश शुरू कर दी गई है और इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ किया कि जाट समुदाय के उन छात्रों को पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण नहीं मिलेगा जिनका दाखिला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन तक नहीं हुआ है, जबकि फैसले के दिन यानी 17 मार्च से पहले हुए दाखिलों के मामलों में जाट समुदाय को पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जाट समुदाय के छात्रों के एक समूह की याचिका को रद्द कर दिया है। मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के इन छात्रों की मांग है कि उनके इम्तिहान के नतीजे सुप्रीम कोर्ट के 17 मार्च के उस फैसले से पहले घोषित हो चुके थे जिसमें अदालत ने जाटों को मिलने वाला आरक्षण रद्द कर दिया था। इन छात्रों की दलील थी कि उन्हें भी उन छात्रों के साथ समानता के अधिकार पर दाखिला मिले जिनकी काउंसलिंग फैसले से पहले हो चुकी है और जिन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद इन मंत्रालयों में किए गए कामकाज की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से अपने मंत्रालयों का दृष्टिकोण पत्र तैयार करने को कहा है। केंद्रीय वित्त और सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सरकार ने उनकी मौजूद वाई श्रेणी की सुरक्षा को बढ़ाकर जेड प्लस श्रेणी में बदल दिया है। सरकार ने पहली बार 18 टैक्स डिफॉल्टरों के नाम सार्वजनिक किए हैं। इनमें गोल्ड सुक ट्रेड और सोमानी सीमेंट्स शामिल हैं। इन पर संयुक्त रूप से सरकार का 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी की कोशिश है कि डिफॉल्टरों को विवश किया जाए कि वो बकाये का भुगतान करें। इसी के तहत उसने अपनी वेबसाइट पर 18 डिफॉल्टरों के नाम पोस्ट कर दिए हैं। इनमें से 11 गुजरात के हैं। उन्हें तुरंत बकाया कर चुकाने को कहा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह पहला मौका है जब विभाग ने जानबूझकर कर न चुकाने वाले विलफुल डिफॉल्टरों की सूची सार्वजनिक की है। केरल उच्च न्यायालय ने साल 2014-15 के लिए सिर्फ 5 सितारा होटलों को बार लाइसेंस देने वाली राज्य सरकार की शराब नीति को बरकरार रखा है। इस बीच केरल के आबकारी मंत्री के बाबू ने केरल बार होटल मालिकों के संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बीजू रमेश द्वारा लगाए गए कथित रिश्वत के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये कांग्रेस नीति यूडीएफ सरकार को गिराने की साजिश का हिस्सा है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री के एम मणि के खिलाफ रिश्वत का आरोप लगाने वाले रमेश ने सोमवार को मीडिया से कहा था कि उन्होंने बार घोटाले के सिलसिले में बाबू समेत कांग्रेस के 3 मंत्रियों के खिलाफ मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया है। कर्नाटक के विधायकों ने विधानसभा में एक कानून पास करके अपने वेतनों और भत्तों में जमकर इजाफा किया है। मुख्यमंत्री की तनख्वाह 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। वहीं विधायकों की तनख्वाह 25,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के भत्तों की सीमा 3,00,000 पर महीने कर दी गई है। वहीं विधायकों के भत्तों में भी अच्छा खासा इजाफा किया गया है। पाकिस्तान ने अपने जल क्षेत्र का उल्लंघन करने के आरोप में 18 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनकी 3 नौकाओं को जब्त कर लिया है। मछुआरों को बीती रात कराची तट के समीप अरब सागर में पाकिस्तान जहाज रानी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। अंबाला साहा रोड पर मंगलवार को एक कॉलेज बस और डंपर के बीच हुई टक्कर में 8 छात्रों की मौत हो गई है। डंपर में मिट्टी होने के चलते राहत कार्य में काफी दिक्कतें आई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को अंबाला व आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया गया। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बस में 26 लोग मौजूद थे। संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी की परीक्षाओं का आयोजन 19 अप्रैल को करेगा। ये परीक्षा देश भर में फैले 41 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अयोग्य उम्मीदवारों को अयोग्यता के कारण के साथ ईमेल भेजे हैं। वित्त वर्ष 2015 के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में काफी उठापटक देखने को मिली। सेंसेक्स 18.37 अंकों की गिरावट के साथ 27,957 पर बंद हुआ।
वहीं निफ्टी एक अंक की मामूली गिरावट के साथ 8491 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 28180.64 के ऊपरी स्तर तक पहुंचने में कामयाब हुआ, तो वहीं निफ्टी ने 8550 के ऊपरी स्तर को छुआ। दिन भर के कारोबार के दौरान ऑयल एंड गैस, फार्मा, ऑटो शेयरों में तेजी दर्ज की गई है। हालांकि बैंकिंग, कैपिटल गुड्स और FMCG शेयरों में बिकवाली हावी नजर आई।